दोस्तों, आपने बहुत सारे जानवर को पेड़ पौधे खाते हुए देखा होगा, लेकिन आज आप देखने वाले तीन ऐसे पौधे को जो जानवर और कीड़े मकोड़े को ही खाता है। नंबर वन, ट्रॉपिकल पिचर प्लांट। यह दुनिया में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मांसाहारी पौधा है। इसका आकार कप की तरह होने के कारण इसके अंदर चिपचिपा तरल पदार्थ जमा हो जाता है। जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठता है तो फिसल के नीचे गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। तब यह पौधा इसे डाइजेस्ट कर पोषक तत्व को अपने अंदर सोख लेता है। नंबर टू, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे के पत्ते दो भाग में बटे होते हैं और यह पौधा छोटे जानवर कीट पतंग को अपना शिकार बनाता है। जब कोई कीड़ा इस पौधे पर आकर बैठता है तो यह अपने पत्ते को बंद कर उसे अपने अंदर जकड़ लेता है और इसके ऊपर बने कांटेदार कीड़े को बाहर नहीं निकलने देता। इस पत्ते के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो पचाने का काम करता है। नंबर थ्री, सैंड्यू प्लांट। इस पौधे के पत्ती में छोटे छोटे टेंटिकल्स बने होते हैं और इस टेंटिकल्स के अंतिम छोर पर ओस के बूंद की तरह चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो कि अपने अंदर से गंध छोड़ता है, जिसे सुनकर कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर जैसे इस पर बैठते हैं मौका देकर यह मुड़ने लगता है और अपने जाल में फंसा लेता है।